आराधना से करते हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत है प्रथम आश्रम वर्ग के द्वारा एक मनमोहक मंगलाचरण। रहने दीजिए सादा जी, नहीं उठाएगा। हेलो बेटा। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती है पर मेरी बात मानिए, ये उम्मीदें बांधने का कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा,
मेरा नहीं। एक बार बस मेरा बेटा मुझे यहाँ लेने आ जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की चिंता है, मेरे बिना रह कैसे पा रहा वो। देखिए साधा जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, पर मैं जानता हूँ जो एक बार इस वृद्धाश्रम में आ जाए वो इतनी आसानी से नहीं जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, वो तुरंत मुझे आप यहाँ से ले जाएगा, देख लीजिएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज यहाँ से ले जाना। माँ काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि आप कुछ दिन और मैनेज कर लो। पिताजी गुजर गए। चाचा जी मेरी को
खा के सलामत है। हादसे के बाद जब तुम अस्पताल में भर्ती थे तब ये आके तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही दिए, और क्या बताऊं कि उस बेबस ने ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में तुम्हें ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़े। बड़ा बेजार किस्म का दिल है तुम्हारा, और पत्थर दिल तुम्हारे सीने में दिल है भी कि नहीं। अरे तुम क्या जानो कि एक अकेली माँ के लिए बच्चे की लालन पालन करना, माँ के साथ बाप का भी भूमिका अदा करना किस जहमत का नाम है ये। अरे तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी अम्मा ने जाने जान कैसी कैसी परिस्थितियों में तुम्हें पाला है। अरे क्या हो बेवकूफ तुम, और नेहायत ही बेवकूफ है तुम्हारी सोच। अरे तुम्हारे खातिर सारी दुनिया से लड़ जाने वाली तुम्हारी माँ, समाज के खिलाफ डर जाने वाली तुम्हारी माँ, खुद में ही पड़ जाने वाली तुम्हारी माँ, ताकि हर चलने से तुझे बात कर सके, देर तलक जगती ताकि तुझसे थोड़ी बात कर सके, हिम्मत वाली इतनी कि पर्वत तक से न घबराए, बात तेरी आए तो चींटियों से भी डर जाए। तुम्हें तो वो फूटी आग भी नहीं भाती थी, लेकिन तेरे धीरे से माँ कहने पर ममत्वों से भर जाने वाली तेरी माँ सारे जग भर के तानों से रोज हाथापाई करती थी तुम्हारी माँ, सारे जग भर के तानों से रोज हाथापाई करती थी तुम्हारी माँ, और तुम कायर पुतली तो तुम्हारे रगों में है ना। क्या करता उन्हें रेड की शिफ्टिंग करनी थी, मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या पता। अगर तुझमें जरा सी भी इंसानियत बची है तो जा अपने माँ के पैरों पर गिर अभी मान। Thank you.
Thank you.
इसलिए तुझे आखिरी बार गले से मिलने नहीं पड़ पाया। तुझे जब तक ये खत मिलेगी तब तक मैं शायद पर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ और मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर रहे। और मेरा लल्ला मुझे वापस लेने आया है, इससे खुशी की बात कुछ हो सकती है भला? बेटा तू चिंता न कर, यहाँ रहते हुए मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। हाँ शुरुआत में मन थोड़ा कच्चा था, पर धीरे धीरे मन लग गया और अब तो दरवाजे पर रात भी दस्तक देने लगी। बेटा आखिरी काम कर सकते हैं क्या? के पास आई हूँ, वो क्या है ना, वहां से मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। मैंने कहा मेरा लल्ला मुझे फिर से प्यार करने लगे, मैंने कहा मेरे मुन्ने को मुझे लौटा दे, मैंने कहा अपने बच्चे से मेरे बिना आपके पास नहीं आ सकती, पर इन्होंने एक नहीं सुना। याद है बचपन में एक दफा तुमने खिलौने की फरमाइश की थी, उस वक्त तो इतने पैसे नहीं थे, बैठे बैठे दिन काटती, इससे बढ़िया छोटे मोटे काम करके दो पैसे कमाए हैं। वो पैसे तू रख और ना अपने बच्चों के लिए कुछ बढ़िया खरीद लेना। मानती हूँ ये रकम मैं बहुत छोटी है, पर लल्ला मेरे से इतना ही हो पाई। याद है तूने एक बार गुस्से में कहा था, कभी देखी हूँ खुद को आईने, मुझे आंखों से तो कौन दिखती थी, पर जब भी तेरी आंखों में देखती मुझे मैं दिख जाती थी मेरे बच्चे। अब तो ही पता मुझे आईने में देखने की जरूरत थी, और हाँ अच्छी लड़की देख कर शादी कर लेना। अफसोस रहेगा कि मैं मान नहीं हो सकी, पर मेरा सदा तुझ पर और बहु पर रहे। हाँ लड़की ध्यान से चुनना, कहीं मेरी जैसी ना हो, वरना उसे भी उसका बेटा। अब लगता है अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। तुझे यही रोशी बहु और आने वाली पोती पोतियों को खूब सारा प्यार, मेरी रातों का चंदा। Thank you.